कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं फ्रोजन शोल्डर को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस। तो फ्रोजन शोल्डर में हमें क्या होता है कि हमारे हाथ जो होते हैं, हमारे कंधे जो होते हैं, वो अकड़ जाते हैं और ना हाथ ठीक से उठता है, ना इस तरीके से घूमता है, ना ये वाला मोशन होता है हमसे। और हम जब कोशिश करते हैं एक रेंज ऑफ मोशन के ऊपर ले जाने की कोशिश जब हम करते हैं, तब हमको बहुत तेज़ दर्द होता है और इससे हम काफ़ी परेशान रहते हैं। और ये परेशानी हमें बहुत लंबे समय तक परेशान करती है। तो इसके जो कारण होते हैं, एक कारण जो होता है वो किसी को पता ही नहीं है कि क्यों होता है, पर ये ज़्यादातर एज रिलेटेड होता है। मतलब 40 साल के बाद ये चीज़ होना शुरू होती है लोगों में। और जो बाकी के जो दूसरे कारण है उसमें क्या होता है कि जैसे किसी को थायराइड है, या किसी को डायबिटीज़ है, या किसी को स्ट्रोक हुआ था, या फिर शोल्डर डिसलोकेट हो गया था, या फ्रैक्चर हो गया था, या रोटेटर कफ में टेयर आ गया था, तो उस वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। तो हम जो एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, आसान वाली एक्सरसाइजेस हम पहले करेंगे, और जैसे जैसे आपको आराम मिलता जाएगा आप फिर कठिन वाली एक्सरसाइज पर जा सकते हैं। तो चलिए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। अब चलिए हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो ये सबसे आसान एक्सरसाइजेज में है। इसके लिए हमको सिर्फ एक डंडा चाहिए और हमको इस तरीके से लेट जाना है। चाहें तो आप यहाँ पर एक रुमाल टाइप का या तौलिया टाइप का रख सकते हैं कोहनी के नीचे। हमको अपना जो हाथ है वो 90 डिग्री के एंगल पर इस तरीके से रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जिस साइड हमको पेन होगा उसी वाले हाथ को हम इस तरीके से रखेंगे। मान लीजिए हमारे मेरे राइट साइड में पेन है, तो मैंने इस तरीके से हाथ को रख लिया 90 डिग्री पर। अब हमको डंडे का इस्तेमाल क्या करना है, डंडे के एंड को हम उस वाले हाथ के पंजे से इस तरीके से पकड़ लेंगे जिस साइड हमको पेन हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैंने यूं पकड़ लिया है, और अपोजिट साइड वाला हाथ जो है हमारा, इससे अब हम क्या करेंगे, इस हाथ को पुश करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इस तरफ हम एक्सटर्नल रोटेट करने की कोशिश करेंगे अपने हाथ को, जिस हाथ में, जिस कंधे में हमको पेन है। तो इस वाले हाथ से हम हल्का सा बहुत धीमे से ताकत लगाएंगे ताकि हमारा ये वाला जो हाथ है ये बाहर की तरफ रोटेट हो सके। और हमको वहीं तक रोटेट करना है जहाँ तक हम आसानी से कर सकते हैं। जब हमको दर्द होना शुरू हो जाएगा हम वहीं पर रुक जाएंगे, और वहाँ पर हम 2-3 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और फिर से हम वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। तो यही चीज़ हमको रिपीट करते रहना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपके हाथ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, मतलब आप बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं रोटेट कर पा रहे हैं, तो इस वाले हाथ का आपको ज़्यादा सहारा लेना है, इस वाले हाथ से फिर आपको ज़्यादा पुश करना है। नहीं तो अगर आप इस वाले हाथ को अपने आप भी थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं तो आप वहाँ तक ले जाइए, और उसके बाद फिर इस वाले हाथ से आप थोड़ा सा और पुश कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो हमको ये कितनी बार करना है, हमको इसको 10 से 15 बार करना है, और इसके हमको 2 से 3 सेट लगाने हैं। मतलब इस तरीके से हमने किया 1-2, इस तरीके से हमको आराम आराम से करना है, और 10 से 15 बार करना है, और 10 से 15 के हमको 2 से 3 सेट लगाने हैं। तो एक तो एक्सरसाइज हमारी ये वाली हो गई, एक्सटर्नल रोटेशन वाली। अब हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से हम एक्सरसाइज करेंगे। हम डंडे को ऊपर की तरफ ऐसे पकड़ लेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब हमको क्या करना है, हाथ आप सीधे कर लीजिए एकदम, और अब हमको डंडा पीछे की तरफ अपने सर की तरफ लाना है, और अब हम लाते चले जाएंगे जितना हम ला सकते हैं, और फिर जहाँ तक हम ले जा सकते हैं वहाँ पर ले जाकर हमको रुक जाना है, और यहाँ पर हम 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर वापस हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। फिर से डंडे को हम पीछे की तरफ ले जाएंगे जहाँ तक हम ले जा सकते हैं, और जब हमको पेन होना शुरू हो जाए या हमको लगे कि हम इसके आगे नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर हम 2-3 सेकंड होल्ड करेंगे और फिर से वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पर लौट जाएंगे। तो यहाँ पर इसको भी हमको 10 से 12 या 10 से 15 बार करना है, और इसके हमको 2 से 3 सेट्स लगाने हैं। तो ये सबसे आसान एक्सरसाइजेज हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है हाथ में, बहुत ज़्यादा अकड़ गए आपके कंधे, तो ये 2 एक्सरसाइजेज हो गई आपकी सबसे आसान। चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइजेज पर। तो हमने पहले क्या किया, शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन किया और शोल्डर फ्लेक्शन किया। अब हम थोरैसिक मोबिलिटी के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। तो इसमें हम एक्सटेंशन करेंगे और रोटेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सटेंशन करने जा रहे हैं। तो एक्सटेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, फोम रोलर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये अगर आपके पास हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको खरीद सकते हैं। नहीं तो ऐसी कोई चीज़ हो जो इस तरीके से हो, देखने में हो, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी हम पीठ का जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम इसके ऊपर रख देंगे। इस तरीके से हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, जिस साइड हमारे पेन है उस वाले हाथ को हम इस तरीके से अपने चेस्ट के ऊपर क्रॉस करते हुए हम दूसरी तरफ ऐसे पकड़ लेंगे, और जिस साइड हमारे पेन नहीं है उस वाले हाथ को हम
सर के पीछे इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमको क्या करना है, एक्सटेंशन करना है, थोरैसिक का हमको एक्सटेंशन करना है। तो हम पीछे की तरफ ऐसे जाएंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। तो बस हमको यही चीज़ अब रिपीट करनी है, पीछे गए जितना हम जा सकते हैं और फिर ऊपर आ गए, थोड़ा सा रुके एक दो सेकंड, फिर पीछे गए, यहाँ भी एक दो सेकंड रुके और फिर ऊपर आ गए। तो इस तरीके से हमको रिपीट करना है। इसके हमको 10 से 15 रेप लगाने हैं और इसके 2 से 3 सेट लगाने हैं। और जितनी एक्सरसाइजेज हम कर रहे हैं इसको आप दिन में एक बार भी कर सकते हैं और दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम भी कर सकते हैं। अब चलिए थोरैसिक रोटेशन भी देख लेते हैं कैसे करना है। तो हम इस तरीके से बैठ जाएंगे, एक पैर का जो घुटना है हमारा वो फ्लोर पर रहेगा और एक पैर हमारा इस तरफ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे और जिस साइड का पैर, जिस साइड का घुटना हमारा ऊपर की तरफ है, उस साइड अब हम इस तरीके से ट्विस्ट होंगे जितना हम हो सकते हैं और फिर वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। फिर हम ऐसे ट्विस्ट हुए, एक दो सेकंड्स रुके और फिर हम वापस अपनी पोजीशन पर आ गए। तो इसी तरीके से हमको रिपीट करना है 10 से 15 बार और इसके हमको 2 रेप्स लगाने हैं। और फिर हम यही चीज़ क्या करेंगे, स्विच कर लेंगे। अब इस वाले घुटने को हम नीचे रख कर दिया और इसको उठा दिया और अब हम उस तरफ रोटेट होंगे इस तरीके से। तो फिर से पोजीशन पर आ गए और फिर जितना रोटेट हो सकते हैं हुए और इस तरीके से हम करेंगे। और इसको भी हमको 10 से 15 बार करना है और इसके 2 रेप्स लगाने हैं। तो ये थोरैसिक रोटेशन भी हमारा हो गया। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइजेज जो हम करने जा रहे हैं वो अपने कंधों को मजबूत करने के लिए करने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को ज़्यादा परेशानी है, जो कंधे नहीं घुमा पा रहे हैं बिल्कुल भी, उनके लिए हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बिना जॉइंट्स को मूव किए हम एक्सरसाइज का फ़ायदा ले लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक्सटर्नल रोटेशन वाली एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन हम बिना जॉइंट्स को हिलाए, बिना जॉइंट्स को मूव किए हम वो एक्सरसाइज करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन वाली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जैसे वहाँ पर ज़मीन पर लेटकर हम बाहर की तरफ ले जा रहे थे तो उसमें तो हमारा हाथ हिल लाता थोड़ा, लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, हमारा हाथ हिलेगा नहीं लेकिन हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो हम एक तौलिया इस तरीके से रख लेते हैं ताकि हमको थोड़ा आराम रहे और इस तरीके से हम 90 डिग्री पर हाथ रखेंगे और जो नीचे वाला हाथ होगा हमारा वो एकदम सीधे होगा इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इस हाथ से बाहर की तरफ हाथ को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा हाथ घूमेगा नहीं, पर हम ताकत लगाएंगे। और यहाँ पर क्या हो रहा है, अब हम ताकत उस तरफ लगा रहे हैं लेकिन हमारा जॉइंट जो है वो मूव नहीं करना है, लेकिन शोल्डर जो हमारे हैं, कंधे जो हमारे हैं वो मजबूत हो रहे हैं, उनमें ताकत आ रही है। तो अब हम इस हमको क्या करना है, इसमें अब हम होल्ड करेंगे 20 से 40 सेकंड्स तक। तो हमने उस तरफ ताकत लगाई है, हम ताकत हमने लगा रखी है और अब हम 20 से 40 सेकंड्स होल्ड करेंगे। और 20 से 40 सेकंड्स होल्ड करने के बाद हम थोड़ा सा रेस्ट लेंगे और उसके बाद फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 2 से 3 बार। तो ये हमारा एक्सटर्नल रोटेशन वाली एक्सरसाइज हो गई। अब इंटरनल रोटेशन में हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ घुमाने की कोशिश करेंगे लेकिन बिना जॉइंट्स को मूव किए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हाथ को इस तरीके से रखेंगे, हमारी पोजीशन वैसी ही रहेगी जैसे हमने रखी थी, 90 डिग्री पर हाथ रहेगा और ये हाथ हमारा एकदम सीधे रहेगा इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से हम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, अंदर घुमाने की कोशिश करेंगे, पहले हम बाहर की तरफ ले जा रहे थे अब अंदर घुमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है तो इसमें जॉइंट्स मूव नहीं करेंगे लेकिन हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी और ये चीज़ हमारी जो है वो यहाँ पर चिपकी रहेगी, जैसे आप देख सकते हैं ये। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अंदर की तरफ ताकत लगा रहे हैं, इसको अंदर घुमाने की कोशिश कर रहे हैं पर हमारा हाथ घूम नहीं रहा है, लेकिन हम इसको अंदर घुमाए रखेंगे, हम ताकत अंदर की तरफ लगाए रखेंगे और 20 से 40 सेकंड्स हम होल्ड करेंगे। 20 से 40 सेकंड्स हो जाने के बाद फिर हम थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम यही चीज़ हम फिर से रिपीट करेंगे 2 से 3 बार। 20 से 40 सेकंड्स होल्ड करेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर हम यही चीज़ 2 से 3 बार करेंगे। तो ये हमारी हो गई। अब हम एबडक्शन करेंगे, हम ये वाला मूवमेंट जो है हमारा वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके से तौलिया रख देंगे और अब हमने यहाँ पर कोहनी के पास हमने इस तरीके से तौलिया लगाई। कोहनी को हमने अब दीवार पर, आप इसको डोर फ्रेम पर कर सकते हैं, दीवार पर कर सकते हैं या इस तरीके की चीज़ पर भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस वाले हाथ को हम इस तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये उठ नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम अब उठाने की कोशिश कर रहे हैं और हम यहाँ से ताकत लगा रहे हैं, एबडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं पर यहाँ पर हमारा हाथ उठेगा नहीं, लेकिन एक्सरसाइज जो है हमारी स्ट्रेंथनिंग, जो मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए हम कर रहे हैं एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज भी हमारी हो रही है। तो यहाँ पर भी हम 40 सेकंड्स होल्ड करेंगे
20 से 40 सेकंड्स होल्ड करेंगे, 40 सेकंड्स हो जाने के बाद हम थोड़ा सा आराम करेंगे कुछ सेकंड्स, और फिर से हम यही चीज़ रिपीट करेंगे 2 से 3 बार। तो ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज भी हो गई हमारी शोल्डर स्ट्रेंथनिंग की। चलिए बढ़ते हैं फिर अगली एक्सरसाइजेस पर। अब इसके बाद आगे हम क्या करेंगे, अगली स्टेज पर चलेंगे। जब हमको आराम मिल गया है थोड़ा, तब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज थोड़ी हम कठिन करेंगे। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम क्या कर रहे थे कि डंडे से हम इस हाथ को बाहर की तरफ रोटेट कर रहे थे, लेकिन अब हम डंडे का सहारा नहीं लेंगे, अब अपने हाथ को हम खुद इस तरीके से बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे, और जितना हम ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे, और उसके बाद फिर वहीं पर रुक जाएंगे और वापस लौट आएंगे। तो इसको हम रिपीट करेंगे वैसे ही जैसे हम कर रहे थे, 10 से 15 बार हमको करना है और 2 से 3 सेट इसके हमको लगाने हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और कठिन कर देंगे। हम हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे ले आएंगे और अब हम फिर से इस हाथ को पीछे की तरफ ऐसे ले जाएंगे, इस तरीके से जितना हम ले जा सकते ले जाएंगे, और फिर हम अपनी उसी पोजीशन पर आ जाएंगे। हम यहाँ तक ले गए, इसके मान लीजिए इसके पीछे हाथ नहीं जा रहा है, यहीं पर हम रुक गए फिर वापस आ गए। तो इसको भी हम करेंगे 2 से 3 सेट लगाएंगे इसके, और 10 से 15 रेप लगाएंगे, 10 से 15 बार इसको हम करेंगे और 2 से 3 सेट हम इसको लगाएंगे, और दिन में हम इसके 1 बार या 2 बार हम इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हैं। तो ये वाली हो गई हमारी एक्सरसाइज। तो अब चलिए देख लेते हैं कि डंडे वाली एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे, शोल्डर फ्लेक्शन जो हम कर रहे थे, उसको हम और कठिन कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक वेट को हमने ऐड कर लिया, मतलब इस डंडे पर हमने लगा लिया है, तो ये थोड़ा डंडा भारी हो गया इससे। अब हम वही चीज़ रिपीट करेंगे, पीछे की तरफ हाथ को ले जाएंगे जितना ले जा सकते हैं, और रुकेंगे, होल्ड किया, फिर वापस अपनी पोजीशन पर आ गए। तो इससे क्या हो रहा है कि हमको थोड़ी ताकत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, और जो कंधे जो हैं हमारे ज़्यादा अच्छी तरीके से खुल रहे हैं। तो इसको भी आपको वैसे ही करना है, इसके 2-3 सेट लगाने हैं आपको, 10 से 15 इसके रेप लगाने हैं। तो ये थोड़ी हमारी जो एक्सरसाइज है उसकी स्टेज, उसका लेवल जो है वो बढ़ गया है। इसी तरीके से रोटेशन में भी हम थोड़ी सी उसको कठिन कर देंगे, वो भी देख लेते हैं कैसे करनी है। अब रोटेशन से पहले एक्सटेंशन भी जो हम कर रहे थे वो भी हम देख लेते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, हम इसको बैक के मिडल पर, बैक के पीठ की जो बीच वाला हिस्सा है उस पर हम इसको इस तरीके से लगा लेंगे। पहले हम क्या कर रहे थे, जिस साइड हमारे जो इफेक्टिव साइड थी उसको हम क्रॉस करके ऐसे रख रहे थे और इस तरीके से हम कर रहे थे, लेकिन इसमें हमको क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे की तरफ हम ले जाएंगे, दोनों हाथों को हम सर के पीछे इस तरीके से लगा लेंगे और अब हम इस तरीके से एक्सटेंशन करेंगे, बस इसमें इतना ही फ़र्क है। तो ये थोड़ी इंटेंस एक्सरसाइज ये ज़्यादा हो गई है। इसके बाद थोरैसिक रोटेशन वाली एक्सरसाइज में हमको क्या चेंज करना है, पहले हम हाथों को क्रॉस करके इस तरफ ऐसे घूम रहे थे, जिस तरफ का घुटना हमारा उठा हुआ था उस तरफ हम ऐसे घूमने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इसमें हम क्या करेंगे, हाथों को हम खोल देंगे अब, और हाथों को हम खोलने की कोशिश करेंगे और साथ में हम घूमेंगे भी। तो मान लीजिए कि मैं इस तरीके से ऐसे बैठा हूँ, मेरा ये वाला इस साइड वाला घुटना ऊपर की तरफ है, तो मैं इसी तरफ घूमूंगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को सामने इस तरीके से ऐसे रखेंगे, और जिस साइड वाला घुटना हमारा ऊपर की तरफ है उस साइड हम उस वाले हाथ को, उसी साइड के उस वाले हाथ को हम खोलने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, साथ में हम घूमेंगे भी और हाथ भी हम ऐसे पीछे की तरफ खोलते चले जाएंगे, और हाथ हमारे जो हैं वो एकदम सीधे रहेंगे, और जितना ज़्यादा हम पीछे मुड़ सकते हैं उतना मुड़ेंगे, और फिर वापस वहाँ पे 1-2 सेकंड रुककर हम फिर वापस अपनी पहले वाली पोजीशन पर आ जाएंगे। और इसी चीज़ को हम रिपीट करेंगे और इसके हम 2 सेट लगाएंगे 10 से 15 के। इसके बाद अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं, जो हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर रहे थे बिना जॉइंट्स को मूव किए हुए, वो हम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उस समय हमारा जो कंधे हैं वो बहुत ज़्यादा अकड़े हुए थे और हमको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। अब आराम मिल जाने पर हम अगले लेवल में, लेवल बढ़ाने पर हम क्या करेंगे, हम इन बैंड्स का इस्तेमाल करेंगे, रेजिस्टेंस बैंड हैं ये, तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे और ये मूवमेंट जो है ये आइसोमेट्रिक नहीं होंगे, इसमें हमारे जॉइंट्स का मूवमेंट होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन करते हैं। तो हम एक तौलिया रख लेंगे यहाँ बीच में इस तरीके से, कंधों को, कंधों की जो पोजीशन है उनको न्यूट्रल रखने के लिए, और अब हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल रोटेशन करने की कोशिश करेंगे। तो हम 90 डिग्री पे हमारा ये वाला हाथ होगा और ये चीज़ हमारी बाहर की तरफ ऐसे निकली रहेगी, और यही हमारी पोजीशन जो है ये फिक्स रहेगी, और ये कोहनी जो हमारी यहाँ पर चिपकी रहेगी। तो अब हमको बस क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर, यहाँ से हमको मूवमेंट करना है और हम इसको एक्सटर्नल रोटेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये बैंड है, ये रेजिस्टेंस बैंड है, तो ये इधर से हमको खींच रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन हम इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट हम इसको उस तरफ पुल कर रहे हैं और अपने हाथ को हम एक्सटर्नल रोटेट कर रहे हैं। तो हमको ये चीज़ करनी है और इसके हमको 2 से 3 सेट लगाने हैं, 10 से 15 रेप लगाने हैं। तो ये हो गया हमारा, लेवल 2 हो गई एक्सरसाइज हमारी।
इस तरीके से, तो आइसोमेट्रिक की जगह हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। तो ये हमारा एक्सटर्नल रोटेशन हो गया, और इंटरनल रोटेशन जो हम कर रहे थे वो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमारी पोजीशन वही रहेगी, बस हम उसमें क्या कर रहे थे, बाहर की तरफ उसको खींच रहे थे, अब इस बार हम क्या करेंगे, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे। तो हमारी जो हाथ की जो पोजीशन है सेम वैसी रहेगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक रहेगा, तौलिया हमारी यहाँ पर रहेगी, और इसको अब हम इस तरीके से अंदर की तरफ ऐसे खींचेंगे। तो ये हो गई हमारी जो इंटरनल रोटेशन है, ये एक्सरसाइज भी हो गई। इसके भी आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं और 10 से 15 रेप लगाने हैं। तो ये रेजिस्टेंस बैंड से भी हो गई। अब हम जो एबडक्शन वाली एक्सरसाइज कर रहे थे वो भी देख लेते हैं। वो भी हम इसको थोड़ा सा हम पैर के नीचे इसको दबाएंगे इस बैंड को, और फिर हम वो एक्सरसाइज करेंगे। अब चलिए आगे देख लेते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, जो हम यहाँ की जो एबडक्शन वाली कर रहे थे, जो हम ऐसे धक्का देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें हमारे जॉइंट मूव नहीं हो रहे थे क्योंकि वो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज थी, लेकिन इसमें हमारे जॉइंट मूव होंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस बैंड से हम करेंगे। और इसमें हम एबडक्शन वाली एक्सरसाइज इससे कैसे करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करना है, इसमें आप 2 चीज़ कर सकते हैं। आपको अगर इस तरीके से ऐसे हाथ उठाने में अगर आपको दिक्कत लग रही हो, तो स्टार्टिंग में आप इस एंगल पे आप हाथ उठा सकते हैं, जो ना ही ये सीधा है ना ही ये इस तरीके से है, ये बीच में है जा रहा है ये इस तरीके से। तो इसमें आपको क्या करना है, कंधे से थोड़ा सा और ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है आपको। अगर नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा कंधे से ऊपर ले जाने की कोशिश करनी है। तो स्टार्टिंग में आप 2-3 सेट जो है वो इसी के मारिए, 10 से 15 रेप, और 2-3 सेट स्टार्टिंग में आप ऐसे ही मारिए। जब आपको लगने लगे कि आपके हाथ थोड़े खुल गए हैं और ताकत आ गई है, तब आप फिर इसको क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री वाला भी कर सकते हैं। बस 90 डिग्री वाला जब आप करेंगे, जब एकदम साइड में हाथ जब इस तरीके से करेंगे, तो आपके हाथ जो है वो कंधे से ऊपर नहीं जाएंगे, कंधे की हाइट तक ही जाएंगे, और फिर ये नीचे आ जाएंगे, और रेजिस्टेंस बैंड जो है वो मैंने अपने पैर से दबा रखा है। तो रेजिस्टेंस बैंड भी आप इसके अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, कम ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला, कम रेजिस्टेंस वाला, तो अलग अलग रेजिस्टेंस के आते हैं। तो ये मीडियम रेजिस्टेंस है अभी फ़िलहाल जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उनको भी आप अपने हिसाब से, अपनी ताकत के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं लेवल 3 पर, और ये इस वीडियो का आखिरी लेवल है। तो एक्सरसाइजेज हम वही सब कर रहे हैं, लेकिन उनको हम कठिन करते हुए चले जा रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे, हम डंडे से हाथ को बाहर की तरफ रोटेट कर रहे थे, फिर हम बिना डंडे के कर रहे थे, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम वेट लेने जा रहे हैं। तो ये वेट थोड़ा ज़्यादा है, इतना भारी लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बस दिखाने के लिए कर रहा हूँ। तो हमने वेट ऐसे ले लिया है, हाथ की पोजीशन हमने वैसी बना ली जैसे हमारी थी, इस तरीके से बाहर की तरफ हमको रोटेट करना है, तो हम हाथ को इस तरीके से रखेंगे, और अब हम क्या करेंगे, वैसी बाहर की तरफ हाथ को खोलने की कोशिश करेंगे जितना हम खोल सकते हैं। और ये वज़न जो है हमने ले रखा है, ये भी उस तरफ जोर दे रहा है, तो ये और बढ़िया एक्सरसाइज इससे हमारी हो रही है। थोड़ा सा रुकेंगे और हम फिर वापस आ जाएंगे। तो बस हमने इस एक्सरसाइज में क्या किया, ये वेट ऐड कर दिया है, और इसको भी हम वैसे ही करेंगे, 2 से 3 सेट और 10 से 15 के रेप हम लगाएंगे। और फिर अब हम क्या करेंगे, पोजीशन को थोड़ा सा बदलेंगे, इस तरीके से कर देंगे अब हम हाथ को, और अब ये वाला जो हाथ है हमारा ये पीछे की तरफ ऐसे जाएगा जैसे आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हम जितना पीछे ले जा सकते हैं हम ले जाएंगे, और फिर हम इसको आगे ले आएंगे, और यही चीज़ हम रिपीट करेंगे फिर से। 2 से 3 सेट लगाएंगे इसके, 10 से 15 रेप के। फिर इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हाथ की पोजीशन को थोड़ा सा हम बदल देंगे, एंगल बदल देंगे। ये एंगल हो गया हमारा, अब ये जो हाथ है हमारा ये पीछे की तरफ ऐसे जाएगा, तो यहाँ हम जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाएंगे, और फिर हम वापस आ जाएंगे अपनी पहली वाली पोजीशन पर, और इसको भी हम रिपीट करेंगे 10 से 15 बार, और 10 से 15 के हमको 2 से 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद एक एक्सरसाइज में बताना भूल गया था, जो हम शोल्डर फ्लेक्शन कर रहे थे डंडे से, उसके बाद हमने इस पर वेट लगाया था। तो इसका लेवल 3 क्या होगा, उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम डंडे से कर रहे थे और हमारे दोनों हाथ पीछे जा रहे थे, फिर हमने वेट ऐड किया इसमें, लेकिन अब हम क्या करेंगे लेवल 3 में क्या करेंगे, सिर्फ उस हाथ पर काम करेंगे जिस हाथ में हमारे प्रॉब्लम है, जिस कंधे में हमारे प्रॉब्लम है। तो मान लीजिए राइट साइड में हमारे प्रॉब्लम है, तो हम सिर्फ एक हाथ को ही पीछे ले जाएंगे, और हम क्या करेंगे वेट ले लेंगे। तो ये वेट ज़्यादा है, आपको हल्का ही लेना है, मैं बस दिखाने के लिए आपको देख रहा हूँ। तो हमको करना वैसे ही है, लेकिन बस इसमें हम क्या करेंगे, बस एक हाथ को ही पीछे ले जाएंगे। तो हमको वैसे ही करना है जैसे हम डंडे को पीछे ले जाते हैं, वैसे ही हम इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, और जितना पीछे तक जा सकता है ले जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, और फिर उसको अपनी पहली वाली ओरिजिनल पोजीशन पर ले आएंगे। तो हमको बस यही करना है शोल्डर फ्लेक्शन में। ये हमारा लेवल 3 हो गया। ये एक्सरसाइज थोड़ी और कठिन हो जाएगी, तो इसको 10-15 बार हमको करना है, मतलब 10-15 रेप हमको इस तरीके से लगाने हैं, और इसके 2 से 3 सेट लगाने हैं। और जिस कंधे में आपके प्रॉब्लम नहीं भी है,
उसमें भी आप एक आध सेट लगा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद थोरेसिक एक्सटेंशन जो हम कर रहे थे वो ऑलमोस्ट वही रहेगा, सेम रहेगा, इसमें आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस इसमें आपको दोनों हाथ ऐसे पीछे करने हैं और आपको इस तरीके से एक्सटेंशन करना है और फोम रोलर की आप पोजिशन बदल सकते हैं, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है। बस हम जो रोटेशन कर रहे थे थोरेसिक रोटेशन, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें तो थोड़ा सा चेंज हम उसमें करेंगे, वो हम चलिए देख लेते हैं क्या करना है हमको। अब थोरेसिक रोटेशन लेवल 3 पे हमको क्या करना है वो देख लेते हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, दोनों हाथ क्रॉस करके इस तरीके से घूम रहे थे, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों हाथों को सीधा करके एक हाथ को इस तरीके से खोला, पर इसमें हम साइड में जा रहे थे। अब हमको क्या करना है लेवल 3 में, हमको क्या करना है, वैसे ही सब कुछ रहेगा लेकिन इसमें हमको क्या करना है, हाथ से हमको गोला बनाना है, हमको हाथ को इस तरीके से नहीं खोलना है, हमको हाथ से ऐसे गोला बनाते हुए जाना है पीछे की तरफ, और जैसे हम हाथ को ले जाएंगे हमको हाथ की तरफ देखना भी है, इससे रोटेशन हमारा और अच्छा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से बैठ गए, एक पैर का घुटना हमारा ज़मीन पर है, दूसरे पैर का घुटना हमारा ऊपर है, जिस पैर का घुटना हमारा ऊपर होगा उसी वाले हाथ को हम घुमाएंगे, सर्कल बनाएंगे। तो हमने स्टार्टिंग पोजीशन ये पकड़ी और अब हम क्या करेंगे, हाथ को ऊपर की तरफ ऐसे ले जाते हुए एक गोला बनाएंगे और हाथ के पंजे को हम साथ में देखते भी रहेंगे, और जितना ज़्यादा हम घूम सकते हैं घूमेंगे, और उसके बाद हम थोड़ा सा पीछे एक सेकेंड रुकेंगे, होल्ड करेंगे, और वापस हम फिर गोला बनाते हुए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो इसके हमको 2 सेट लगाने हैं, 10 से 15 रेप लगाने हैं, 10 से 15 बार इसको हमको करना है और इसके हमको 2 सेट लगाने हैं, और यही चीज़ हमको अपोजिट डायरेक्शन में भी करनी है। तो ये भी हो गई हमारी थोरेसिक रोटेशन भी हमारी हो गई, और इसी के साथ ये एक्सरसाइजेज जो हैं इस वीडियो में काफ़ी रहेंगी, इतनी काफ़ी हमारे लिए। और इसके बाद जो हम बैंड से कर रहे थे एक्सरसाइज वो सेम रहेंगी, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि बैंड की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब पहले आप हल्के बैंड से कर सकते हैं, फिर वो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले बैंड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी एक्सरसाइजेज जो बैंड से हम कर रहे थे, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन वाली, वो सेम रहेंगी। तो इसी के साथ ये वीडियो फिर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ, उम्मीद है इन सारी एक्सरसाइजेस को करके आपको आराम मिलेगा काफ़ी। तो फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे नए वीडियो में वर्कआउट विद चैनल पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।